रिसेंटली मैंने एक प्ले किया, करते वक्त मैं सोच रही थी मैं क्या कर रही हूँ, मेरी इस साल के ये प्ले और एक और मैंने किया था, ये मैंने क्यों किए, मुझे नहीं करने चाहिए थे। लेकिन नतीरा आप सोच नहीं सकते उसका रिस्पॉन्स ऑनियर जाने के बाद, वो पागल थे लोगों ने कहा इतना खूबसूरत ड्रामा, इतनी रेटिंग आई उसकी, क्योंकि हमारी आवाम जो देखने वाली है, है वो यही देखना चाहती है, सास बहू सास पर जुल्म हो रहा है या बहू पर जुल्म हो रहा है, वो सिर्फ ये देखना चाहती है, चाहिए आवाम को चुपड़े चाहिए, चुपड़े चाहिए। तो ठीक है, हम तो आवाम के गुलाम है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ और कहती हूँ कि हम शोबिज़ के लोग, हमारी एक फैमिली है एब्सोल्युटली, क्योंकि हम सुबह से शाम तक इन्हीं लोगों में काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हर इंसान मैटर करता है। और मतीरा मैं आपसे फर्स्ट टाइम शायद मीटिंग हुई, लेकिन मुझे नहीं लग रहा क्योंकि मैं आपको देखती रहती हूँ, आप मुझे देखती रहती yes. हमें ऐसा लगता है कि हम लोग एक दूसरे के ड्रॉइंग रूम में लाउंज में रहते हैं, इस तरह बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो हमारी एक फैमिली, अब जब उस फैमिली की अच्छी बुरी चीजों को इतना फैलाएंगे तो उसमें कहीं तो सच्चाई भी होगी, लेकिन बहुत मुझे लगता है कि इसमें इतनी सच्चाई नहीं होगी जितना लोगों ने इसको, वो एक होता है ना, किसी एक ने हक की आवाज करी तो 200 ना हक वाले उठ गए, वो वाली चीज भी हो जाती है ना, जब एक किसी का एक होता है ना, बुरा टाइम चल रहा होता है तो अल्लाह मियां खुशियां भी छपर फाड़ के देता है और बुरा वक्त में आप ही की फाड़ देते हैं। मतीरा देखे, मुझे हमेशा कहते थे एयरपोर्ट जा रही हूँ, बाजार गई हूँ, एक मेरी अपनी पर्सनल लाइफ भी है जो कि नहीं रहती, तो कहते एक पिक्चर बनवा लो, तो मैं कहती थी ठीक है मैं बनवा लेती थी, लेकिन अब लड़का कोई अकेला आ गया, मैं कहती हूँ अगर आपने फैमिली के साथ मैं नहीं बनवा, आप पता नहीं कहाँ कहाँ लगा देते हैं। अब ये मेरा देखे, मेरा एक जाती पसंद नापसंद भी तो है, अब उसे उठा के आप लगा दें कि ये बड़ी मगरूर है, ये आर्टिस्ट बेशक पब्लिक प्रॉपर्टी है, लेकिन उसका कुछ जातियात भी तो है ना, वो तो आपको ऐसा ना, कभी कभी होता है ना उनकी आंख में आप चुप गई हो तो कुछ ऐसा है कि मेरे से तोहफा ले लो, ते फूल ले लो, के चॉकलेट आ रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कुछ शायद मेरे ख्याल में किसी की जरूरत नहीं हुई ऐसा करने की, जरूरत नहीं हुई। ये भी एक बात होती है, लोग मुझसे भी पूछते किसी ने आपको तोहफा नहीं भेजा, क्यों भाई मैं क्या उसके, आप जब भी ऑलवेज रिमेम्बर, मैं बोलती हूँ दैट ताली दोनों हाथों से नहीं बजती, अगर आप सामने वाले को 6 दफा हंसकर देखोगे तो वो आपकी टेबल पर आएगा, अगर आप देखोगे भी नहीं उसके पास जरूरत ही नहीं होगी इधर आने के लिए, चाहे वो जितना बड़ा मजनू चल रहा हो अंदर। वैसे ताली एक हाथ से थप्पड़ मारे ना तो वो हाँ एक हाथ से भी हो जाता, हाँ पर वो कहाँ मारे थप्पड़, ये भी एक सवाल है। आपको बताया ना 50 Shades of Grey ने हमारे हाँ। बच्चों को बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया, हाँ क्या क्या कर दिया। वैसे आप बताएं ये जो जो ड्रामा और इन सारी चीजों के अंदर इतनी बाउंड्रीज डाल दी है, हाँ वो बाउंड्रीज है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, डब्बा इज एन इमेजिनेशन वर्ल्ड, मुझे लगता है फैंटेसी है, हर इंसान जाता है अपना दिमाग को एक नेक्स्ट लेवल। यशराज मुझे एक बात बताओ, शाहरुख खान पहाड़ के ऊपर यूं क्यों करता है, क्योंकि वो हम नहीं देख सकते ना रियलिटी में। नहीं देखिए फिल्म जो है ना लार्जर देन लाइफ, हाँ उसमें तो आप फैंटेसी वर्ल्ड में हैं, आप कुछ भी दिखाएं लोग वहीं पहुंच जाएंगे। ड्रामा में, ड्रामे में ये नहीं है, क्योंकि इधर पैसे खर्च करके आवाम नहीं आती टीवी देखने के लिए, हाँ हाँ पैसे खर्च करके जाते हैं तो उन्हें रिलैक्स भी होना होता है। टीवी पर हर इंसान स्विच ऑन करेगा और टीवी देखेगा, तो आपको क्या लगता है कि ये चैनल ने इतनी जो प्रायोरिटीज डाली हुई है, लॉबी सिस्टम इतने हुए हुए हैं, ARY के लोग हम टीवी के वो एक होता ना स्ट्रॉन्ग कैसे मेंटेन कर रही है इन लॉबीज में, हाउ आर यू मेंटेनिंग इट। मतीरा मेरे साथ कभी इशू नहीं हुआ, मैं जियो पे भी कर रही हूँ, मैं ARY पे भी कर रही हूँ, आपने तो मुझे लग रहा है ब्रिज बनाया हुआ हाँ, सब में हाँ, सब, और मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। और मैं जो मेंटेन करने की आप बात कर रही है ना, मुझे हमेशा अच्छे डायरेक्टर मिले हैं, हमेशा अच्छा स्क्रिप्ट मिला है, मुझे कभी शिकवा नहीं हुआ कि मुझे ये कैरेक्टर जो आपने ऑफर किया जो मैं कर रही हूँ बेकार है, आप किसी और से करवा ले। मुझे हमेशा वो कैरेक्टर ऑफर होता है जो कैरेक्टर होता है, जो मेरे करने वाला होता है, भले मैं माँ हूँ लेकिन मैं हमेशा वो माँ हूँ जिसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है ड्रामे में। मैं बच्चों के लिए नहीं जिंदगी गुजार रही, मेरी अपनी जाती जिंदगी भी होती है ड्रामे में, मैं खुश हूँ। वैसे आप बताओ, वर्किंग मदर, मदर ऑफ 3 एंड देन एट द सेम टाइम, अभी तो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं वो एक
एक होता है ना वो जो बचपन में होती है वो टेंशन इतनी नहीं होती जितनी वो जवान होने के बाद खुरफात आ रहे होते हैं, 12 बजे क्यों नहीं आए, किधर थे तुम, फोन क्यों नहीं उठाए, ये सारे सवाल। लेकिन जब बचपन की होती है उनकी भी टेंशन अलग होती है, तो वो गिरकर सर फट गया तो उसको बुखार आ गया। सो हाउ डिड यू मेंटेन काम एंड ऑल ऑफ दीस थिंग्स? अच्छा, उस जमाने में मेरी अम्मा जिंदा थी और मेरी अम्मा का घर इतना करीब था, नानी इज द बेस्ट नानी, तो मैं नानी के पास छोड़कर चली जाती थी और बेफिक्र हो जाती थी, वापस आती थी, घर ले आती थी, फिर मैं देखती थी। लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव रहे, उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा, और मेरे बच्चों ने वैसे बचपन में तंग भी नहीं किया वो ना शायद उन्होंने, हाँ नहीं तंग किया, अब करते हैं तंग। अब मैं कई चीजों से तंग होती हूँ, मैं इधर होती हूँ, मैं पूछ रही होती हूँ रात में क्यों इतनी लेट आए हो, वही बात, अब क्यों गाड़ी में गए हुए थे तो क्यों गए हुए थे, फ्रेंड के साथ चले जाते अपनी गाड़ी लेकर इस्लामाबाद, तो ये चीजें सब चलती रहती है। हाँ यार, ऑनेस्टली बच्चे तो यूं फटते हैं, शादियों के बाद तो फिर मुझे लगता है बच्चों के बहुत ज्यादा मसले हो जाते हैं। अगर आप मरियम नवाज शरीफ उठे एक दिन तो क्या करती क्या करती मैं? क्या करती? अच्छा सवाल है। मरियम मेरी बहुत अच्छी क्लाइंट रह चुकी है okay. वो मुझसे कपड़े बनवाया करती okay, that's nice. और मैं बड़ी फेवरेट डिजाइनर थी उनकी, but she's beautiful. She's beautiful और उनकी चॉइस बहुत अच्छी थी। यानी मैं अगर मरियम पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये तो एक फैमिलीज चल रही है ना, पॉलिटिशियंस का एक पूरा पूरा खानदान चल रहा है। Absolutely. मैं उठूं तो मैं कहूं यार मैं इन सब चीजों को खैराबाद कहूं और मैं अपनी जिंदगी को अब देखूं किसी चीज की कमी नहीं है, बस मेरे पास सब है, मुझे ज़हनी सुकून चाहिए। हाँ ये भी बात है, उनके पास ज़हनी सुकून नहीं है। ज़हनी सुकून कहाँ होता है इनके पास? एब्सोल्युटली। अगर आप इमरान खान होती तो क्या करती? मैं वही करती जो इमरान खान कर रहे हैं अभी भी। क्या बैंड बजा अगर आप रेहान खान होती तो आप क्या करती? मैं अपनी अब उनके मियां बीवी के रिलेशन पता नहीं क्या थे कि उसने छोड़ दिया या उन्होंने छोड़ दिया, हमें क्या पता भाई लेकिन यार शी इज कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम अ न्यूज एंकर टू दिस, बंदी ने मनवाया है। अच्छा कुछ ऐसी कोई चीज जो आपने एक उसको एक होता है ना कोई टिप भी हो के ये कर लो तो वो कर लो? हाँ जैसे अभी बच्चा हुआ है तो वो बच्चे को लेकर बहुत ज्यादा पोजेसिव है, बच्चे को वो नहीं छोड़ती। बच्चे को अगर मैंने भी पकड़ा है, मेरे हस्बैंड ने, तो वो सामने बैठ जाती है कि मुझे, मैं बस बैठी हूँ, मैं कहा बेटा मुझे पकड़ा दिया है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, सो जाओ, अपना कोई काम कर लो। कहती नहीं अम्मा मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, अगर इधर नीचे है और मैं भी इधर बैठी हूँ, मुझे, मैं इसको ले, तो वो ये चीजें हम लोग शायद इतने नहीं थे। अच्छी बात भी है आजकल की बच्चियां अपने बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा, लेकिन हर एक इंसान का अलग अलग तरीका होता है, जैसे डिप्रेशन भी होता है प्रेगनेंसी के बाद, बहुत सारी चीजें होती है, तो हर एक इंसान को, कुछ लोग को ऐसा होता है कि उनको नींद नहीं आ रही होती, तो कुछ लोग ज्यादा बच्चे के ऊपर इतना पोजेसिव हो जाते हैं कि हस्बैंड को भी इग्नोर करने लगते हैं। हस्बैंड, आई बी वेरी ऑनेस्ट एंड दिस इज अ साइन ऑफ, वो एक चीज होती है। नहीं, मेरी बहू तो वाकई वो कहती है कि मेरा इस वक्त जीना मरना सब जो है ना बच्चे के लिए, तुम जाओ तो बच्चे, हस्बैंड भी अंडरस्टैंड करते हैं कि चले ये जितना टाइम इसको केयर की जरूरत है, जाहिर है बच्चा तो बहुत ही डिपेंडेंट होता है ना। इंडिया इज वेरी नाइस, काम करने के लिहाज से कि मैं चली जाऊं और मैं वहां काम करके, मैं अगर कोई चाहता है उसकी अपनी चाहत है और ये कोई बुरी चीज भी नहीं है, जाना चाहिए, करना चाहिए, वही बात है, आर्ट है, आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं, ग्रोथ होनी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन मेरी ऐसी कोई जिंदगी में ख्वाहिश रही नहीं। जैसे आप बताओ दैट काफी लोग समझते हैं, जैसे इंडियंस लाइक आप बी वेरी ऑनेस्ट, वो जब किसी एक फिल्म करते हैं उनके पास इतना जैकपॉट खुल जाता है, तेले मंगीनीज में चल रहे होते हैं, फ्लैट ले लेते हैं, इधर बेचारा एक्टर पाकिस्तानी आवाम को लगता है जितने भी शोबिज के लोग हैं वो हिलते और पैसे गिरते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है जब हमारी पेमेंट्स बहुत अटकी हुई होती है आप लोगों से ज्यादा? ये एक चीज होती है ना, हमें ऐसा ख्याल रखना पड़ता है कि ऑल इज वेल। तो आप बताओ कभी आप इस चीज के शिकार हुए, पेमेंट्स डिले, तो पेमेंट नहीं मिल रही, तो ये डिले तो होती है लेकिन ना मिलने वाला कभी कुछ नहीं है, अगर नहीं मिल रही। एक बात बता सरा जी कौन है? अच्छा मैं झूठ नहीं बोल रही होती, सारी अच्छी बातें कर रही होती है, लोग कहते हैं इसके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा कैसे हो रहा है, वाकई अच्छा अच्छा हो रहा होता है यार। पता है क्या होता है, अच्छा अच्छा आप लोग देखते हैं, अगर इंसान के साथ जितना वो
अंधेरों में रोया है ना, वो किसी को नहीं नजर आता, किसी को नजर नहीं। जब इंसान मुस्कुराता है पूरी दुनिया बोलती है बदतमीजी दिखा रही है, यार ये भी देखो उसने कितने सजदे किए, कितनी बिल्कुल। काफी जिंदगी के चंद पहलू आते हैं हर औरत की जिंदगी में जहाँ वो सिर्फ रब से पूछती है और रब उसकी सुनता है। बिल्कुल सही है। सो प्लीज कोई मुस्कुरा रहा है उसको मुस्कुराना चाहिए, मेंटल नहीं होना चाहिए, उसके दांत में कीड़ा बनकर कैविटी पैदा ना करो, कीड़े बहुत ज्यादा हो गए।